नमस्कार, मैं प्रज्ञा कौशिक और आप देख रहे हैं क्रिकेट केसरी। शनिवार 9 मार्च को सिलहट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच तीसरे T20I में दाशन सनाका को आउट करने के लिए लिटन दास ने शानदार रन आउट किया, जो कि इस समय काफी सुर्खियों में बना हुआ है। लोग लिटन दास के इस रन आउट से महेंद्र सिंह धोनी को याद किए हैं। जी हाँ, आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। दरअसल दोनों टीमों के बीच सिलहट में तीसरा T20I खेला गया, जिसमें श्रीलंका को 28 रन से जीत मिली। ये मैच निर्णायक था और इस जीत के साथ ही श्रीलंका के नाम ये सीरीज दर्ज हो गई। लेकिन इस मैच में बांग्लादेश के विकेटकीपर लिटन दास ने कुछ ऐसा कर दिया जो कि महेंद्र सिंह धोनी की याद आ गई। उन्होंने एक रन आउट किया जो कि महेंद्र सिंह धोनी के एक रन आउट से काफी ही मिलता जुलता है। आपको बता दें, श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर खेलने के बाद 7 विकेट खोकर 174 रन बनाए। बांग्लादेश की टीम 19.4 ओवर में 146 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई और मैच हार गई। आइए जानते हैं कि लिटन दास ने क्या कारनामा किया। लिटन दास ने श्रीलंकाई पारी के आखिरी ओवर में अपनी अविश्वसनीय पारी का नमूना पेश किया। शनाका ने मुस्ताफिजुर रहमान को जमीन पर मारा और जितना जोर से दौड़ा सकते थे उन्होंने दौड़ाया। हालांकि रिशद हुसैन ने आक्रमण किया और स्ट्राइक छोर की ओर से एक जोरदार थ्रो डाला। दूसरा रन पूरा करते समय शनाका ने ड्राइव लगाने की कोशिश की, लेकिन क्रीज से काफी दूर रह गए। इस बीच लेटन ने रिशद के थ्रो को स्टंप से दूर कर लिया और उनके पास बल्ले उतारने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। तभी उन्होंने बिना देखे ही स्टंप्स के नीचे फेंक दिया। रन आउट ने प्रशंसकों को एमएस धोनी की याद दिला दी, जो कि अपनी शानदार दिमागी क्षमता से रन आउट को भी प्रभावित करते थे। आइए जानते हैं कि किस तरह रोमांच भरा था ये मुकाबला। श्रीलंका की तरफ से कुशल मेंडिस ने 86 रन बनाए, उनके अलावा कोई और बल्लेबाज बड़ा स्कोर बना ही नहीं सका। शनाका ने 19 रन बनाए, बांग्लादेश के बल्लेबाज फेल रही। टीम का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से नाकाम रहा। रिशाद हुसैन ने आखिरी में लड़ाई लड़ी। हुसैन ने 30 गेंदों पर 53 रन बनाए, उन्होंने 7 चौके मारे। तस्कीन अहमद ने 21 गेंदों पर 31 रन बनाए, अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के मारे। श्रीलंका की तरफ से नुवान तुषारा ने 5 विकेट लिए, तो वहीं वानिंदु हसरंगा को 2 सफलताएं मिली। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें क्रिकेट केसरी।